सब्सक्राइब कीजिए मेरा रेल नोट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेल नोट पर। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंडियन रेलवेज के पटरियों में पत्थर बिछाया जाता है, पर मेट्रो ट्रेन की पटरियों में पत्थर क्यों नहीं बिछाया जाता है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे की ट्रैक और मेट्रो रेलवे की ट्रैक्स दोनों ट्रैक को बिछाने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला है गिट्टी वाला ट्रैक, जिसे कि बैलेस ट्रैक भी बोला जा सकता है, और दूसरा है कंक्रीट वाला ट्रैक, जिसे कि बैलेस लेस ट्रैक भी बोला जा सकता है। दोस्तों, जमीन पर जितना भी रेलवे ट्रैक्स होता है, मतलब कि ग्राउंड लेवल पर, वहाँ गिट्टियों वाला ट्रैक ही बनाया जाता है, क्योंकि यह कंक्रीट वाला ट्रैक से बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन मेट्रो रेलवे के जो ट्रैक होते हैं वो जमीन के ऊपर एलिवेटेड रूप में होता है या जमीन के नीचे टनल्स में होते हैं। दोस्तों, ऐसे जगह पर गिट्टी वाले ट्रैक्स का मेंटेनेंस कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि मेट्रो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी हर 2 से 4 मिनट का होता है और जमीन के अंदर इनका मेंटेनेंस कर पाना बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावे अगर जो एलिवेटेड ट्रैक्स होते हैं, अगर उसके ऊपर गिट्टी वाले ट्रैक्स हो, तो अगर उस पर ट्रेन चलेगी तो उसके नीचे जो रोड है उसके ऊपर वो गिट्टियाँ गिरने से भी हादसा हो सकता है। इन्हीं सब कारणों से मेट्रो ट्रेन के ट्रैक्स कंक्रीट के बनाए जाते हैं, जिनका कॉस्ट बहुत हाई तो ज़रूर होता है, पर इनका मेंटेनेंस ना के बराबर हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जुड़ रहे हमारे इस चैनल से। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास इस वीडियो के लिए कोई सजेशन है तो फिर वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।